हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान कर्ज माफी के बारे में, जिसको लेकर आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है, क्योंकि सरकार के द्वारा आपके लिए बहुत ही बड़ा ऐलान भी हो चुका है कर्ज माफी को लेकर। और अभी आप सभी का पूरा 20 अगस्त तक जो है किसान का ऋण माफ, कर्ज माफ कर दिया जाएगा केंद्र के द्वारा, यानी कि मोदी सरकार के द्वारा। तो अभी आपको इसी बड़ी खुशखबरी के बारे में दी जाएगी पूरी की पूरी जानकारी, इसलिए आप वीडियो भी देखते रहिए हमारे साथ लास्ट तक, ताकि आपको मिल जाए एक जानकारी बिल्कुल सही और सटीक तरीके से, और आप अपना फायदा भी ले ले कर्ज माफी का। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश भी करना चाहते हैं कि यदि आप कोई भी जानकारी कर्ज माफी की सबसे पहले ऐसी ही प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को कर दीजिए फटाफट से सब्सक्राइब, और पास ही में आ गए घंटी के निशान को भी जरूर दबा दीजिए। और सब्सक्राइब करने के लिए आप वीडियो के नीचे दिख जाएगा एक ऐसा लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा, आपको उसको दबा देना है। और जैसे ही आप उस सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे, तो पास ही में आएगा एक ऐसा घंटी का निशान यानी कि बेल आइकॉन, उससे आपको जरूर दबा देना है, ताकि आपको मिले हर एक जानकारी कर्ज माफ की सबसे पहले। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधे के सीधे कर्ज माफी के बारे में, और आपको बता देते हैं कि कैसे हो रही है सभी किसानों की कर्ज माफी। तो सरकार के द्वारा बहुत ही बड़ा ऐलान हुआ है, और यहाँ पर मोदी जी की तरफ से आप सभी किसानों को बहुत ही बड़ा तोहफा मिल चुका है। देश में जो भी किसान है, संपूर्ण किसान है, उनकी संपूर्ण कर्ज माफी को लेकर ये बहुत ही बड़ा ऐलान सरकार के द्वारा हो चुका है। और सरकार की तरफ से जो ये बड़ा ऐलान आया है आपके लिए, वह एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी के रूप में आया है। और अभी आपकी जो कर्ज माफी है, और वह भी 20 अगस्त से ही शुरू होने जा रही है। अब किस प्रकार से शुरू होने जा रही है, उसकी अभी आपको पूरी की पूरी जानकारी प्रदान कर देते हैं, और साथ ही में आपको यह बता देते हैं कि आप सभी किसानों का कर्ज कैसे माफ करेंगे मोदी सरकार। तो सरकार का यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जो है आंदोलन शुरू हो चुका है, और यहाँ पर जो है किसानों के बात यह है कि फसल का सही दाम और कर्ज माफी को लेकर जो ये विरोध चल रहा है सरकार के खिलाफ, और किसान आंदोलन को लेकर जो है बीजेपी के समक्ष बड़ा मुद्दा छेड़ दिया है कि आप जो है सभी किसान जो भी हैं उनका पूरा का पूरा कर्ज माफ कर दे, और सभी किसानों को कर्ज से मुक्ति प्रदान कर दे। इसको लेकर दिल्ली में बहुत ही बड़ा आंदोलन शुरू चुका है सभी किसानों का, जो भी देश में किसान है उनका, और इनकी संख्या 5 लाख से भी अधिक है। और अब देखिए किस प्रकार से यहां पे आंदोलन चल रहा है किसानों का, और किसान बड़ी संख्या में जो है इस आंदोलन में हिस्सा भी ले रहे हैं। तो इस आंदोलन में बहुत ही बड़ी बड़ी मांगे है, लेकिन मुख्यतः 3 मांगे। पहली, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करना। दूसरी है MSP या न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करना। और चौथी, यहाँ पे तीसरी जो बड़ी मांगे वह है कर्ज माफी। और इसके अलावा चौथी और पांचवी जो बड़ी बड़ी मांगे वह भी काफ़ी अच्छी है किसानों के लिए। और उनका यह कहना है कि हमारे जो है आपने पिछले जो साल हुआ, यानी कि पिछला जो आपका कार्यकाल समाप्त हुआ है, उससे भी बढ़कर हमें आशा है कि आप हमारे लिए लेंगे। और ये मांग यहाँ पे किसानों की चल रही है, और दिल्ली में डेरा डाल के रखा है सभी किसानों ने, जिनमें तमिलनाडु से लेकर पूर्व तक और बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक के किसान शामिल हुए, और ये मार्च कर रहे हैं यहाँ पे किसान कर्ज माफी को लेकर, और अपनी मांग कर रहे हैं कि हमारी जो भी कर्ज माफी है वह जल्द से जल्द पूरी की पूरी कर दी जाए, और हमें कर्ज से मुक्ति प्रदान कर दी जाए। तो किसानों की तरफ से स्वामीनाथन आयोग को लागू करने, फसल का वाजिब दाम दिलाने और कर्ज माफी को लेकर आंदोलन चल रहा है। और यहाँ पर किसान जो आए उनकी मुख्य मांग यही है। यह मांग जो है कि बीजेपी किसान मोर्चा के लोग विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस की सरकार से कह रहे थे, अब बीजेपी सत्ता में है और कांग्रेस और वामपंथी यही मांग कर रहे हैं। और इन्हीं मांगों को लेकर जो है लिखी हुई तख्तियाँ लेकर किसान संसद मार्ग तक थाने के सामने बैठ चुके, और ये मांग वह कर रहे, यानी किसान कर रहे, और किसान कह रहे हैं कि सभी किसानों की कर्ज माफी कर दे, क्योंकि फिलहाल मोदी सरकार बनी हुई है और ये दूसरा कार्यकाल जो है मोदी सरकार का चल भी रहा है।
तो यहाँ पे सीपीआई प्रमुख सीतारमण येचुरी ने किसान मोर्चा को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी मोदी और आरएसएस के पास जो है सिर्फ राम मंदिर का ही मुद्दा है। जैसे जैसे यहाँ पर जो है अन्य चुनाव विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे, उन्होंने राम राम चिल्लाना शुरू भी कर दिया है। यहाँ पर देखिए क्या बात आ रही है कि किसानों को समर्थन देने जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, शरद यादव भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर कांग्रेस के मुख्य यहाँ पर वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं किसानों को समर्थन देने के लिए और उनकी मांगों को उठाने के लिए। और राहुल गांधी ने कहा यह है कि भले ही हम वायनाड से जीते हैं चुनाव, लेकिन हम अभी भी पूरे देश के किसानों का भला ही चाहते हैं। उन्होंने बीजेपी और मोदी जी को कहा है कि हम किसान का भविष्य बनाकर ही रहेंगे। यह आवाज़ देश की आवाज़ है, इसे चुप नहीं आप कर सकते हैं। किसानों का काम युवाओं का काम नहीं होगा तो सरकार नहीं चलेगी। युवा और किसान एक ऐसी सरकार को हटा कर ही रहेंगे। ये बात यहाँ पर राहुल गांधी ने कही है। और राहुल गांधी ने कहा है कि हम पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ़ करवा कर ही रहेंगे। और वहीं विपक्ष नेताओं का यह कहना है कि कानून बदलना होगा या फिर कुछ करना होगा, हम आपके साथ खड़े हैं। किसानों को ये बात कही है और उन्होंने कहा है कि हम कुछ भी करेंगे, देश को कोई एक व्यक्ति नहीं चाहता है, कोई पार्टी नहीं चलाती है। जब उद्योगपतियों का लाखों करोड़ कर्ज माफ हो सकता है तो हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं कर रही है यहाँ पे सरकार, ये बात विपक्षी की तरफ से कही गई है। इसी के साथ शरद यादव ने यह भी कहा है कि किसानों का कर्ज माफ करने के लिए सरकार तैयार नहीं है, लेकिन पूंजीपतियों का कर्ज माफ करने के लिए सरकार तैयार है और सरकार कर भी दे रही है। और तो ये बात कही है शरद पवार ने। और इसके अलावा विपक्षी नेताओं ने यह कहा है कि कानून बदलना होगा अब, क्योंकि यहाँ पे किसानों का कर्ज माफ नहीं करिए और जो उद्योगपति है उद्योगपति के साथ जो बड़े बड़े यहाँ पे कारोबारी उनका आप कर्ज माफ कर रहे हो, लेकिन छोटे किसानों का कर्ज माफ बहुत ही कम है, उनका नहीं कर रहे हो आप कर्ज माफ। ये बात कही है यहाँ पर जो है बड़े बड़े विपक्षी नेताओं ने। और यह बात कहते हुए उन्होंने यहाँ पे बहुत ही बड़ा आरोप और बहुत ही बड़ा निशाना साधा है मोदी सरकार पर। और इसी पर यहाँ पर एक बात आई है सरकारी सूत्रों की तरफ से कि कर्ज माफी को लेकर लगभग मोदी सरकार तैयार भी हो चुकी है। तो यहाँ पर मोदी सरकार किसानों को राहत देने के लिए बड़े ऐलान की तैयारी में चल रहा है, ऐसा सरकारी सूत्रों का मानना है। मानना यह है कि मोदी सरकार कर्ज माफी कर सकती है और कर्ज माफी को लेकर काम भी कर रही है। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद यहाँ पर सरकार ने किसान पेंशन योजना की शुरुआत की है। और अब ये बात आई है कि किसान पेंशन योजना के बाद यहाँ पर सरकार एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर सकती है कर्ज माफी का, ऐसा सरकारी सूत्रों का कहना है। सरकारी सूत्रों का कहना यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र जैसे बड़े बड़े राज्यों का देखते हुए यह ऐलान हो सकता है और किसानों को लुभाने का प्रयास हो सकता है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में इन्हें करारी हार मिली थी और आगामी विधानसभा चुनाव में यह जीतने के कारण यहां पर जो है बहुत बड़ा ऐलान कर सकती है, क्योंकि लोकसभा में भले ही मजबूत हो लेकिन यहां पर विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी काफी कमजोर नजर आ रही है। और ऐसे में यहां पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश समेत बड़े बड़े राज्यों की विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकारी सूत्रों का यह कहना है कि कर्ज माफी किया जा सकता है यहां पे सरकार के द्वारा और किसानों को एक बहुत ही बड़ी राहत दे सकती है और यहां पे बहुत ही बड़ा राहत देने की तैयारी में भी चल रहा है यहां पे मोदी सरकार। तो यहाँ पे मोदी सरकार के द्वारा आपको एक बहुत ही बड़ा तोहफा मिल रहा है कर्जा माफी का और आपका पूरा का पूरा जो भी कर्ज है वह माफ भी हो रहा है यहाँ पे सरकार के द्वारा, और ऐसा ऐलान भी यहाँ पे सरकार आपके लिए करने भी वाली है, ऐसा कहना है सरकारी सूत्रों की तरफ से आपके लिए। तो इस प्रकार से ये थी आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी कर्ज माफी योजना को लेकर के किसान आंदोलन हो चुका है शुरू और यहाँ पर बड़े बड़े जो विपक्षी नेता है वह भी इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। और साथ में आपको बता रहे तो किसानों को राहत देने के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लान भी तैयार कर रही है यहाँ पे मोदी सरकार, जिसके तहत आपका पूरा का पूरा जो भी कर्ज है वह भी माफ होने वाला है, ऐसा यहाँ पर अपडेट आ चुका है आपके लिए, जो कि बहुत ही बड़ा है और आपके लिए एक बहुत ही बड़ा तोहफा और एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी के रूप में है। तो इस प्रकार से यह थी पूरी की पूरी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और साथ ही में शेयर अवश्य करिएगा, ताकि ये जो जानकारी है वह आप हम तक सीमित ना रहे और बल्कि आपके जो भी भाई बहन मित्र है उनके पास भी पहुंच जाए और वह ये जाने कि मोदी सरकार पर आ रहा है बहुत ही बड़ा दबाव, जिस कारण हो सकता है अब कर्ज माफ सभी देश में जो भी किसान है उनका। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही कर दीजिएगा, फटाफट से शेयर भी, और साथ में यदि आप ऐसे ही जानकारियां सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को भी जरूर जरूर सब्सक्राइब करिएगा और पास ही में आ रहे घंटी के निशान को भी जरूर जरूर दबाइएगा, ताकि आपको
आगे भी ऐसी जो भी हो किसान कर्ज माफी ऋण माफी की जानकारी वह सबसे पहले मिल जाए। तो यही थी बहुत ही बड़ी प्रधानमंत्री किसान कर्ज माफी योजना को लेकर जानकारी, जो कि आपके लिए बहुत ही बड़े तोहफे और खुशखबरी के रूप में आई थी। और आपकी जो कर्ज माफी है वह भी अभी होने वाली है 20 अगस्त से ही। तो इस वीडियो में बस ना ही था, फिर से आप सभी को कह देता हूँ कि यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी जरूर जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो इसलिए बस ना ही था, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।